राइस। वाह, सुधार आ रहा है हमारे घर में जब से पैसे आए हैं, आने वाले तो हैं। मेरे बेकार नाखून बद रहे, इन्ना काटूंगी पल्ला, बद गई है, चम्मच ही दे दो। तो अभी देखना, इसने इतनी सजावट करके दी है, अभी मैं इसका क्या निकालूंगी। आई लव राइस। ये लो गाइस, खा लो कढ़ी चावल। फाइल कर रही है योगा, और मैंने साफ सफाई की है। एज यू कैन सी, वहां मैंने कुछ अपने गर्मियों के टॉप लगा दिए, सर्दियों के डाल दिए। फिर भी तो उठाना पड़ेगा। आ रहा है एक लड़का जो मेरा इंटरव्यू लेगा। मम्मी ने कहा है कि दे ले, कुछ नहीं होता। मैं कहा चलो ठीक है, दे लेते हैं। तो चलो उनके लिए कुछ लेके आते हैं, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई वगैरह, खातिरदारी भी तो करनी है ना उनकी। घर आ गए और हम मिठाई लेके आए हैं। ये इसके साथ फ्री आया है, और ये है एंड वो है। चलो जब रखेंगे तब देख लेना। थी मम्मा। सो गाइस, ये आए हैं हमारा इंटरव्यू लेने, बड़े दूर से आए हैं। पूरा सेटअप कर रखा है। हाँ जी, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, मस्त एकदम। पसंद आया? हम तो लाया किसी फोटो स्टूडियो में आ रहे हैं। ब्लॉगर। सो गाइस, मम्मी हम ये लेके आए थे फाइल भी, एक और ब्लॉगर आ गई। शुक्र है ब्लॉगर चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? लाइट। ट्राइपॉड काफी यूनिक था, इसलिए मैंने व्लॉग में ले लिया। क्योंकि मेरे पास तो नॉर्मल अलग अलग चीज जरूरी है। इसमें ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये घर पे तैयार करेगा। अच्छा, हाँ। किसने? खुद ने। मैंने ये चीज अलग मंगवाई थी, ये अलग मंगवाई है, ये अलग मंगवाई है, ये अलग मंगवाई है, और आपने खुद बना दिया। खुद बना दिया अपने दिमाग से। कितना है ना, इसमें लाइटिंग भी लग जाएगी, फोन भी लग जाएगा, और इसमें फेसबुक के लिए, इसमें यूट्यूब के लिए, ये रील बना सकते हैं। टैलेंट तो भाई, ये खुद बना रखा है ना, खुद बना रखा है ट्राइपॉड। अरे ये सब ये वीडियो बना रही है, तो बोल दो जी। कौन? ये अपना फैक्ट्री वाली मैडम, यू स्टार्ट लेकर नो दो जाओ रोज लगा दिया है। ये माइक रहा जिसमें मेरा इंटरव्यू लिया जाएगा, और मेरी बात थी। इंटरव्यू हो चुका है। कितने मिनट का बना है? 32 खुद के दम पर करूंगी, और भगवान के ज्यादा बढ़िया चल रहा है। 1.1 मिलियन हो रहे हैं, दूसरी आईडी पर 2.5 लाख हो रहे हैं, कोई चक्कर नहीं। उस पर भी 10 मिलियन लेकर जाऊंगी। गाइस, इन्होंने इंटरव्यू ले लिया है, और अभी मैं गई थी मम्मी को दूध और सब्जी दिलाने। लाइट तो चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरा खाना आ चुका है। अच्छा, ये इधर है क्या? मैं अपने नेल्स कट कर रही हूँ, काफी बड़े बड़े हुए। आई डोंट लाइक नेल्स। मेरे नाना जी कहते थे कि लड़कियों को नाखून कभी भी नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि वो रसोई का काम करती है ना। बट पता नहीं यार, मतलब एक बार मेरे पास कोलैबोरेशन आई थी नेल एक्सटेंशन की, मैंने करा ली, बट मेरे से कुछ भी काम नहीं हो रहा था। रसोई का क्या, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था, ना पढ़ाई हो रही थी, ना लिखा जा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी। यार मेरा ना रूटीन इतना ख़राब हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे अपना रूटीन ठीक करना पड़ेगा। पता नहीं, डेली बोलती हूँ, पता नहीं वो शुभ मुहूर्त कब आएगा जिस दिन मैं सुधरूंगी।
पता नहीं मैं इतनी लेट उठती हूँ, फिर उसके बाद मेरा दिन कहाँ चला जाता है मुझे पता ही नहीं। एंड पता है आप लोगों को, शादी के बाद लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा। शादी इज़ इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे मन में पता क्या प्लान है, मैं तो भाग रही हूँ। पता नहीं यार अच्छे दिन कब आएंगे। एक लोंडे का कमेंट आया था कि काजल के व्लॉग में काजल ही दिखती, बाकी सब दिख जाते हैं। मुझे कोई रिकॉर्ड करने वाला मिलता ही नहीं, मुझे कोई रिकॉर्ड ही नहीं करता मेरी हरकतों को। अगर आपको मेरी हरकतें देखनी हो तो आप लोग ना फाइल के व्लॉग्स देख लिया करो, उसमें सब दिख जाएगा मैं कैसी हूँ क्या है। ओके नाखून ही नहीं कट रहा, चलो मैं नाखून काट के मिलती हूँ। गाइस ये धो रहे हैं गेहूं, कितना कड़ा कड़ा माल निकला। जना दो तो गंद खाओ। अच्छा शुक्र नाले का पानी नू निकला। एक्सरसाइज। और मैंने एक शॉर्ट डाली थी शैम्पू वाली, तो उसमें एक लड़के का कमेंट आया कि आपने ऐड किया। मैंने कोई ऐड वैड नहीं की भाई, मैंने पैसे दिए इस शैम्पू के, और अगर मैंने ऐड की होती तो मैं ये क्यों कहती कि मैं इसको यूज़ करने के बाद बताऊंगी कि इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं या कैसे नहीं आए हैं। और अगर मैंने ऐड की होती तो मैं इसकी तारीफ ही करती ना कि बहुत अच्छा है ये है, मतलब मैंने यूज़ किया नहीं, मैं पहले कैसे बता दूँ आप लोगों को। अभी मेरे पास प्रमोशंस नहीं आते, और जब आएंगे आपको अलग से ही दिख जाएंगे, उसमें तारीफ होएगी ब्रांड की भर भर के, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। बट अभी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही। अभी मैंने यार मतलब मेरे बाल ऐसे बीच बीच में से टूट रहे थे, तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी एक डॉक्टर की, तो उसने मुझे सजेस्ट किया, मतलब मुझे नहीं, उसने पूरी दुनिया को सजेस्ट किया था कि भाई ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जिनके बाल टूटते हैं या जिनको डैंड्रफ है या जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, उनके लिए था ये शैम्पू। तो जिसको ट्रस्ट करना करो, नहीं करना मत करो। मुझे कौन सा बेनिफिट होगा कि आप वहाँ से जाके शैम्पू लोगे, मेरी तरफ से तो नहीं लो तो ही बेहतर है। अभी मैं वॉश नहीं कर रही, मैं अपना मिरर क्लीन कर रही हूँ। उत्तरी बाण की रे लगी हुई, तो ऐसे ऐसे क्लीन कर देंगे। मुझे एक आइडिया आया, मैं पहले ऐसे बनाऊंगी, फिर ऐसे साफ करूंगी, और फिर एक ट्रांजिशन करूंगी। क्या बोलती है बाबला, एक क्या यू अखबार। इस तो सही साफ हो जाए, फिर भी सर्कुलेट में सर्कुलेशन में कर। एक्सरसाइज गाइस, घर के कामों से एक्सरसाइज हो जाती है। विराट कोहली चलो बनाते हैं कीड़े से शहतूत। बचपन में खाते थे, उस टाइम पेड़ पे लगते थे तो बिल्कुल लाल लगते थे, काले काले इतने मीठे, तो बढ़ता जा रही, पर अभी भी मीठे हैं। टेंडे गला रहे, तीन चमकेटे खड़े जो कर, तू भी एक चुन्नी पकड़ और एक पाल पकड़ा। अरे मानुअल सारे पड़े श्याम के प्लाट पीछे था, उन्हें पकड़ा नहीं, भारी सा और लग रहा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब, आए हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत जल्द आपको बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलेंगे। सो मैं करने वाली हूँ थोड़े दिनों में ट्रैवल, तो मेरा जो मेन मकसद है वो है लाइक वृंदावन, अमृतसर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और हिमाचल में जितनी भी माताएं हैं वहाँ पे, और 12 ज्योतिर्लिंग। तो धीरे धीरे हम पूरा अब इंडिया ट्रैवल करेंगे, और आप लोग व्लॉग्स देखना। तो मैं और पायल ट्रैवल करेंगे, हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे अब हम खुद। नाकारी हूँ पार्था भी, नाकारी माँ धूल ठावा दू विकास का साइड ले। हो ले
मैंने मेरा था इतनी है 44 इसकी 44 और वेस्ट ताकि दम ना घुटा 46 ला ले बेबे यहां से मुकेगी ऐसे एक तो शुरू होगा नर्मना कड़े तो शुरू करी थी भी इतनी है कौन सा कम होगी 45 46 ला ले ये इतनी है वाह वाह 46 वेस्ट कितनी है बस चेस्ट तय होता है वेस्ट भी धोनी चाहिए 46 और 52 और मेरी 26 मेरी वेस्ट 26 तेरी 52 ओ बाप रे क्या से क्या हो गया सो गाइस मैं मम्मी के लिए एक ऑर्डर कर रही हूँ सूट पैंट वाला मम्मी को पैंट पहनाएंगे मम्मी पहनती नहीं है तो अभी हम मम्मी का साइज नाप लेते जैसा कि आपने अभी देखा है पिछली प्रीवियस उसमें क्लिप में तो फिर इसका व्लॉग आएगा और मम्मी को साड़ी भी पहनाएंगे मतलब पहले तो मम्मी सब कुछ पहनती थी सारे फैशन कर रखे ना चलना थी पूरी मेरी तो चुकर मजबूरी इसकी कोई मजबूरी थी पति के लोग पूरे शौक पूरे कर रखे एक टाइम पर तो बस भगवान और इसके घर वालों से इसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई फ्यूचर में अगर मेरे पापा काम को अंदर मेरी मां पूरी यानी स्टैंडर्ड तर मान ओके या बात तो तेरी साची है मम्मी मगर क्याड़े जो होया कर दी मतलब साफ सफाई चटक मटक रहना फुर्ती की आत्मा है बहुत ज्यादा फिर क्या हुआ फिर के सारा का सारा कर दिया काम खराब तकदीर में ये लिख रखी थी अभी जा दो छोरी पैदा कर बनवास काट फिर ऊपर की तैयारी कर रखी बस मैं तो इस तरीके से रहूँ अपनी जिंदगी की 24 घंटे का ठड़ी बांध कर रखू जीवन में अभी एक पैर तरह दूसरे क्या से सच्ची बात है मान ली कोई किसी ने नहीं उबेरा अभी कोई कह साल जीवा किसी ने नहीं बेरा इसलिए जो खा लिया अपना जो दर्द है दूसरे का जो है अपना बिना टेंशन के जितने जियो जी लो तो भी पायल के एक जगह रिश्ते की बात चल रही थी तो उनका बेटा सरकारी नौकरी लग रहा था तो उनके घर वाले कहते अगर मारा बेटा सरकारी नौकरी आला तो हम भी अपनी बहू सरकारी नौकरी आली ले आऊंगे तो इस बारे में कुछ कहना चाहती हो ये भाग लेना अपने बेटे पर मेहनत करा की जब तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगी छोरी ना 12 पढ़ दिया कि साथ चाहे चपड़ासी की नौकरी लाग जो लेकिन लाग जो लोगों का न्यू हो जाए अब भी सरकारी लाग गई है और लोगों का नहीं हो जब भी सरकारी लगेगी और नहीं तो मुश्किल है मुश्किल फिर रिश्ते में दिक्कत आवा लेकिन जो उस आदमी ने कही है मान ले मैं 4 लाख रुपए भी ना कमाऊं तो कल अगर मेरा मैं कहूं भाई मेरा बटे तो 10 लाख कमाना चाहिए नू हो जाएगा ना नहीं थोड़े आकर एक गरीब एक अमीर चल रहा है दिल का रिश्ता हुआ दिल का रिश्ता हो बेबे पैसे का कोई रिश्ता नहीं हमदा किसे था भी और अर तू क्यों पड़िया न कुक का है तेरे बाबू और है।